तेंदुए का शव मिलने से फैली सनसनी। मथुरा के थाना वृंदावन इलाके में अहिल्यागंज खादर स्थित जंगल में एक तेंदुए का शव मिलने की जानकारी जैसे ही लोगों के साथ साथ वन विभाग को हुई तो उसमें अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग के पुलिस के आला अधिकारी के साथ बिरला मंदिर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या मामला है और अभी जो मिला है, कितना उम्र है इसकी और कैसे मौत हुई है, जानकारी? अभी हमको जैसे ही जानकारी मिली कि अहिल्यागंज धोरेरा के जंगलों में जो है एक कोई जीव आ गया है जो मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो उसको तलाशते हुए हम काफ़ी देर से तलाश रहे थे। वो देखा खादर में, तो देखने पे जब हम यहाँ पहुँचे तो हमको एक लेपर्ड तेंदुआ जो है वो मरा हुआ मिला है, जिसको हमने अपनी कस्टडी में ले लिया है। लगभग कितनी उम्र इसकी रही? लगभग डेढ़ साल या दो साल के करीब होगी। अभी तक देखने में क्या लग रहा है, किस तरह से मौत हुई होगी इसकी? कुछ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है और इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। पैनल से पोस्टमार्टम होगा? हाँ, पैनल से। क्या नर है या मादा है? नर है। क्या इस क्षेत्र में इस तरह के जीव हैं या ये कोई से आया? नहीं, ऐसा तो इस तरह के क्षेत्र में यहाँ के तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी अब पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे आया आसपास तो, क्योंकि यमुना जी पास में है तो हो सकता है कि यमुना जी के उससे आ गया हो यहाँ पे खादर में। क्या किसी पे कोई कार्रवाई भी होगी? हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन अब ये पहले जानकारी देखें कि क्या इसकी रिपोर्ट आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम आपको बता पाएंगे।